मैंने बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए हैं, पाउडर यूज़ किए हैं, बट उसका जो रिज़ल्ट है उतना मतलब माइंड ब्लोइंग नहीं है, पैसा भी खर्चा होगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर वो आप नहीं करोगे तो ये यूज़ करने का कोई भी फ़ायदा ही नहीं मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, नमस्कार दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सबसे पहले तो सॉरी, लेकिन आज के इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा टिक्स के लिए 100% काम करेगा। मतलब 10 मिनट में आपको टिक्स मरते हुए आँख के सामने दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों मैंने ऑलरेडी कई सारा वीडियो बनाया हुआ है टिक्स पे, जैसे कि टिक पाउडर के लिए, स्पॉट ऑन के लिए, स्प्रे के लिए और टैबलेट्स के लिए सारे प्रोडक्ट आते हैं, सभी काम करते हैं। लेकिन दोस्तों उन सभी पे आप 100% भरोसा नहीं कर सकते हो। टैबलेट्स भी आते हैं मांगे मांगे, और स्प्रे आता है, स्पॉट ऑन आता है, सभी आते हैं। कुछ तो 1000 का भी प्रोडक्ट आता है, कुछ तो 2000 का भी प्रोडक्ट आता है, लेकिन वो आपको उतने मतलब अमेजिंग रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट तो देंगे वो सब भी, लेकिन अमेजिंग रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों आप में से कई सारे लोग टिक्स को भगाने के लिए अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, कुछ तो सक्सेसफुल भी हो जाते हो। तो आज जो तरीका मैं बताऊंगा वो तो काम करेगा ही 100%, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या करते हो इसके लिए, क्या लगाते हो और उसका कितना परसेंट रिजल्ट रहता है आपके डॉग पे, ये कमेंट करिए ताकि और भी लोगों को हेल्प मिले और मुझे भी इसके बारे में पता चले। आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट, वो सब तो महंगे भी आते हैं। आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो प्रोडक्ट बताऊंगा, 10-20 रुपये में, 50 रुपये में आप कह लो कि मिल जाएगा आपको, और ये आपको आँख के सामने में रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। तो आज जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को यूज़ करना भी बताऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड केमिकल हुआ। एक्चुअली ये डॉग के लिए ही बना हुआ है, और भी सारे एनिमल के लिए भी बना हुआ है, और डॉग्स के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि इस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है जायरो है हमारा, इसको मैंने 3-4 दिन ध्यान नहीं दिया तो इसके पूरे पीठ पे मोटा मोटा टिक्स हो गया मात्र 4 दिन के अंदर। इतना टिक्स खून चूसते हैं कि आपके डॉग को एनेमिक बना देगा, और एनेमिक तो दूर की बात है, अगर गलती से भी टिक फीवर हो गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आप भी आ जाओगे, आपका डॉग भी आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास ब्लड टेस्ट का सिस्टम ना हो, तो ट्रीटमेंट काफ़ी बुरा होता है। एक तरीके से कह लो कि डेंगू की तरह होता है, प्लेटलेट घटता चला जाएगा, और डॉग में प्लेटलेट संभालना, ट्रीटमेंट करना काफ़ी दिक्कत हो जाएगा अगर सारा सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीज़ है मात्र 50 रुपये का चीज़ है, और इसको अपने डॉग पे यूज़ करोगे तो तुरंत टिक्स मरता दिखाई पड़ेगा, छोटा हो बड़ा हो, कोई टाइप्स का भी टिक्स हो। तो दोस्तों इसको अमित्राज बोलते हैं, इसका अगर आप और भी कोई कम्बिनेशन लोगे, इसका भाई बहन लोगे, तो अभी आपको क्या करना है, अमित्राज लेना है, रिड लेना है, या बुटॉक्स लेना है, कोई भी ऐसा केमिकल ले लीजिए। तो उसका जो डोज है वो 1 लीटर में 2 ml आपको मिक्स करना है, उससे ज़्यादा नहीं, 1 लीटर में 2 ml मिक्स करिए। स्मॉल ब्रीड है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, और टॉय ब्रीड है तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे करके यूज़ करिए, और भी ज़्यादा कम कर दीजिए, 1 लीटर में 1 ml डालिए टॉय ब्रीड में, क्योंकि वो हो सकता है कि उस पर सेंसिटिव हो जाए। अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है हमारा जर्मन शेपर्ड, इस सब पर तो मैंने यूज़ किया, इसका मुँह भी बंद नहीं किया क्योंकि मैं उस पर ध्यान दे रहा था, अगर वो चाटता तो मैं उसको बंद करता। तो आप लोग अपने डॉग का चाहो तो मुंह भी बंद कर सकते हो, या मास्क लगा सकते हो, या अगर ध्यान दे सकते हो तो आप उसको ध्यान दीजिए 10 से 15 मिनट। आपको क्या करना है, इसको पानी में घोल लेना है। यहाँ पर आप 3 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला तरीका जो इजी है, उसमें आपको क्या करना है कि पानी में 1 डोल पानी लीजिए और अपने डॉग को पूरा नहला दीजिए, पूछ नहला दीजिए, पैर का चंगुल, पैर के अंदर, पीठ के नीचे और कान के पीछे पूरा अच्छे तरीके से नहला दीजिए, बस कान में ना जाए, आँख में ना जाए, मुंह में ना जाए, ये ध्यान रखिए, और पूरे अच्छे तरीके से पोंछ दीजिए, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, मतलब नहला दीजिए फिर उसको छोड़ दीजिए, और सूखने के लिए दीजिए, 15-20 मिनट के बाद वो सूखेगा। उसको फैन में भी आप रख सकते हो, या फिर कपड़ा से पोंछ करके उसको छोड़ दीजिए ताकि वो धूप में घूमे, या फिर खुला जगह में घूमे, बड़ा ब्रीड में। स्मॉल ब्रीड में आपको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, कम धूप में ही रखना है, क्योंकि ये उड़ेगा तो स्मेल मारेगा थोड़ा सा हार्ड। तो पहला तरीका में आप नहला दीजिए। दूसरे तरीके में आप इसको नहलाने के बाद जब ये हल्का हल्का सा सूखने लग जाए, उस समय आपको क्या करना है कि डोल में जिसमें आपने ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है उस डोल में से कपड़ा डुबाइए, और उसके पीठ पे, पूरा पूछ पे अच्छे तरीके से थोप थोप के पूरा लगा दीजिए। और तीसरे तरीके में
आप ले करके स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद पोंछ दीजिए पूरा सा। बट जो पहला तरीका नहलाने वाला मैंने बताया है वो अच्छा इफेक्टिव काम करता है। तो ये करिए, आपको 10 से 15 मिनट में मरता हुआ टिक्स आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा कॉशन में रखिएगा कि दोस्तों ये जहर होता है, ठीक है। अब इतना भी ज़्यादा जहर नहीं होता कि आपको डरना चाहिए, यहाँ पे आपको डरना नहीं है, सतर्क रहना है, क्योंकि इसमें डॉग्स भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सतर्क रह के आपको यूज़ करना है। मैंने बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए हैं, पाउडर यूज़ किए हैं, बट उसका जो रिज़ल्ट है उतना मतलब माइंड ब्लोइंग नहीं है, पैसा भी खर्चा होगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर वो आप नहीं करोगे तो ये यूज़ करने का कोई भी फ़ायदा ही नहीं मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, ये तो यूज़ कर लिया आपने, आपको 4 दिन के बाद फिर से इसको यूज़ करना है। आपको ये कंटिन्यू 4 से 5 बार यूज़ करना है, 4 दिन 5 दिन। पहले तो आप इसको आज लहलाइए, फिर 4 दिन के बाद, फिर इसको 6 दिन के बाद, फिर 6 दिन के बाद, ऐसे करके नहलाइए। और साथ ही साथ इसको जहाँ पे आप रखते हो उस जगह पे स्प्रे भी करिए। सेम चीज़ से भी कर सकते हो या कोई और चीज़ से भी कर सकते हो, ठीक है। पूरा का पूरा स्प्रे भी होना चाहिए, नहीं तो जो टिक्स हैं इसके बॉडी से निकल के कर कहीं चले जाएंगे। अगर वो बच गए 4-5 दिन के बाद फिर इसके बॉडी में आ जाएंगे, या फिर इसके बॉडी में जो स्मेल है उससे सारे टिक्स भाग जाएंगे और 4-5 दिन के बाद फिर से आ जाएंगे। इसलिए जहाँ पे आप इसको रखते हो आसपास, पूरा चेयर, पूरा चौकी में, या फिर कैनल में रख रहे हो तो पूरा कैनल में आपको साफ़ करना है। और उसके बाद जो मतलब कैनल के लिए एक स्पेशल मैं बता देता हूँ, कैनल के लिए आप कोई एग्रीकल्चर वाला केमिकल ले आना। आप एग्रीकल्चर दुकान में जाओ और हार्ड केमिकल ले लेना, बोलना कीड़ा मारने के लिए हार्ड इंसेक्टिसाइड चाहिए, वो लेकर के कैनल में भी मार दीजिए। और थोड़ा सा सेफ्टी में, क्योंकि हार्ड केमिकल नुकसान भी पहुंचा सकता है डॉग्स को। मारने के बाद आप 12-15 घंटा का गैप रखिए डॉग्स को कैनल में घुसाने का। तो ये चीज़ आपको रिपीट करना है 5 दिन 7 दिन पे। तो आप 1 महीने अगर अटेंटिव हो जाओगे तो एक एक टिक्स मर जाएगा आपके घर से, आपके कैनल से। तो ये चीज़ आप यूज़ करिए, नहीं तो इतने ज़्यादा टिक्स आपको दिखाई पड़ेंगे डॉग्स में कि आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों ये तरीका आपको कैसे, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पे डॉग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस आते रहता है, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही रेड कलर में नीचे सब्सक्राइब मिलेगा, और बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।